ये कहानी पॉल और बी नाम के कपल के ऊपर आधारित है, जो अपना हनीमून मनाने के लिए जंगल के अंदर एक घर में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन लोगों के साथ क्या क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2014 में रिलीज हुई हनीमून नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम पॉल और बी नाम की एक बहुत ही रोमांटिक कपल को देखते हैं। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वो दोनों मिलकर उनकी हनीमून मनाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हनीमून मनाने के लिए बी की फैमिली रेस्ट हाउस में जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उनके चेहरे पर एक सफेद लाइट पड़ती है, लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में होने के कारण उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। फिर अगले दिन वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए रेस्ट हाउस के बगल में ही एक लेक पर जाते हैं और वापस आकर वो दोनों एक साथ नहाते और बाथटब में ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक अंदर तोड़फोड़ कर रहा था। फिर वो इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वो बी को पहचान लेता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर वी भी उसे पहचान लेती है। और वो आदमी बी का बचपन का दोस्त था और उसका नाम उइल था, और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कुछ टाइम पहले वो दोनों एक रिलेशन में भी थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उइल की वाइफ एनी आ जाती है और वो पॉल और बी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों उसे कोई साइको समझते हैं और वही खाना खाने लग जाते हैं। रात में वापस आने के बाद बी पॉल से बोलती है कि एनी ने जो कुछ भी कहा था वो बहुत अजीब था, जिसके बाद वो दोनों रात को इंटीमेट होने की बजाय झगड़ा करने लगते है और अलग अलग सो जाते है। फिर आधी रात को वो सफेद लाइट फ्लैश करने लगती है और 3:30 बजे ही पॉल का अलार्म बजने लगता है। तभी पॉल की आंख खोलती है और वो बी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन बी नींद में होने की वजह से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी पॉल को लगता है कि सुबह हो चुकी है और वो फिशिंग करने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि अभी तो सिर्फ 12 ही बजे थे। उसके बाद वो वापस से सोने के लिए आता है, तभी वो देखता है कि बेड पर बी नहीं है और पूरे घर में उसे बी नहीं मिलता। फिर वो बी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। फिर जंगल में बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ के सामने बी मिल जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बी वहाँ पूरा नंगा थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी थाई पर एक निशान भी था। और जब पॉल उसे टच करता है तो बी बहुत जोर से चीखने लगती है। उसे ऐसा देखकर पॉल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर बी को अपना शर्ट पहनाकर घर में वापस लेकर आता है। वापस आने के बाद पॉल बी से पूछता है कि तुम जंगल में क्या करने के लिए गई थी, जिस पर बी बोलती है कि मैं काफी डर गई थी और शायद मैं नींद में चलते चलते वहाँ चली गई थी। इससे पॉल भी काफी ज्यादा डर जाता है और इस इंसिडेंट के बाद बी का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है। उसके बाद पॉल नोटिस करता है कि बी अब बहुत सारी बातें भूलने लगी थी। अगली सुबह वो दोनों फिश पकड़ने के लिए जाते है और वहाँ से लौटते समय वो दोनों आपस में किस करने लगते है। तभी पॉल की नज़र उसकी थाई पर जाती है और उसे उसकी थाई पर वही निशान दिखता है जिसे हमने जंगल में देखा था। जब पॉल उसे उसकी निशान के बारे में पूछता है तब वी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद किसी मच्छर ने काटा होगा, लेकिन पॉल को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उसके बाद पॉल उसी जगह पर जाता है जहां उसने बी को देखा था और उसे वहां बी की नाइट गाउन फटी हुई हालत में मिलता है। जब वो ड्रेस को उठाता है तो वो देखता है कि उसमें कोई अजीब सी चिपचिपी सी चीज लगी हुई थी। उसके बाद वो घर आने के बाद वापस से बी से उसके बारे में पूछने लगता है और वी बोलती है कि मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी और इसीलिए मैंने उस ड्रेस को फेंक दिया था। उसके बाद पॉल नोटिस करता है कि बी अकेले में शीशे को देखकर वो खुद से बातें कर रही थी। और फिर रात को बी और पॉल एक साथ खेलते खेलते इंटीमेट होने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से बी का बिहेवियर बदल जाता है। उसके बाद बी उसे बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में फिर से झगड़े हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन पॉल अभी भी जगा हुआ था और वो थोड़ी देर में देखता है कि वी उठकर चलने लगती है, जिसके बाद पॉल उसे उसके बारे में पूछता है तो वी बोलती है कि मैं पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद उन दोनों के सोने के बाद उन दोनों पर फिर से वो सफेद लाइट पड़ती है और पॉल गन लेकर
बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वो वापस घर में आने के बाद घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देता है, जिसके कारण उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। अब पॉल लगने लगा है कि वी का अफेयर विल के साथ चलने लगा है, इसीलिए उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वी को देखते है कि वो एक डायरी में कुछ लिख रही थी और उसमें लिखती है कि मेरा नाम वी है और मेरा हस्बैंड का नाम पॉल है, और वो अपना पूरा एड्रेस लिखती है। और जैसे ही पॉल वहाँ आता है तो वो अपनी डायरी बंद कर देती है, जिसके बाद पॉल उससे माफी मांगने लगता है और वो दोनों साथ में एक बोट पर फिशिंग करने जाते हैं। नदी के बीच में पॉल वी को किस करते हुए उसकी प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने लगता है और पॉल तभी देखता है कि वी के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसे देखने के बाद पॉल वी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स की तरह ही है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, जिससे पॉल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका शक हकीकत में बदलने लगता है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। उसके बाद पॉल बी को लेकर विल के पास जाता है, लेकिन वहाँ बस उसकी वाइफ थी। और जब पॉल एनी से बात करने लगता है तो वो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, जैसे वो अपना नाम और हस्बैंड का नाम बोल रही थी। इसके बाद पॉल वहाँ भी नोटिस करता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी ठीक वैसे ही ब्लड निकल रहा है जैसे बी के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था, जिस पर पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी पॉल को पानी में विल की कैप मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि विल की डेथ हो चुकी है, और वो छुपके से विल की घर में घुस जाता है और उसके घर में भी बिल्कुल ऐसे ही लाइट ब्लिंक कर रही थी। तब वो विल के कंप्यूटर में सीसीटीवी फुटेज देख कर वहाँ की छानबीन करने लगता है और वो वहाँ कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, और वो देखता है कि एनी भी कुछ दिन पहले की तरह घर से निकली थी और उस सफेद लाइट का पीछा करने वाली रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और पॉल वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि विंडो से कोई परछाई उसे देख रही है और उसे विल के पूरे घर में एक ही लेटर चिपका हुआ मिलता है, जिसमे एनी और विल का इन्फॉर्मेशन थी, और वो बी के पास आकर बोलता है कि यह कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद बी और पॉल में वापस से बहस जाती है और पॉल वहाँ से अकेले ही जाने का फैसला और वी बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जब पॉल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तब वो देखता है कि बी एक लकड़ी से अपनी प्राइवेट पार्ट पर अंदर बाहर कर रही है, जिसके बाद पॉल उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे बांध देता है। उसके बाद वो बी से पूछता है कि हम पहली बार कब मिले थे, लेकिन उसे बहुत ही कम चीजें याद थी, जिसे देखने के बाद पॉल बी के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल देता है और वो देखता है कि वहाँ से बहुत अजीब क्रिएचर निकलता है। ये देखने के बाद पॉल काफी डर गया था, इसीलिए वो बी को खोल देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तब बी भी उसका पीछे पीछे जाती है और वो पॉल को बताती है कि उस रात वो उस सफेद लाइट का पीछा करते करते उस जंगल में गई थी, क्योंकि उस सफेद लाइट ने उसे वश में कर लिया था। और वी जंगल में पहुँचने के बाद उसे एक अजीब परछाई वाले लोग दिखे और वो लोगों ने मिलकर बी के अंदर एक अजीब क्रिएचर डाल दिया था, और उसने उसे ये भी कहा था कि कुछ दिन बाद वो उसे लेने के लिए आएंगे, और ये सब वो इसलिए कर रही थी कि ताकि वो लोग पॉल को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तब पॉल बी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ सफेद लाइट जलने लगती है और वी उसे बोलती है कि अब मुझे जाना होगा, और फिर बी पॉल के सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है। जब पॉल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बी उसे बोट पर लेकर कहीं जा रही थी, और तभी बी पॉल से बोलती है कि तुम पानी के नीचे सेफ हो, और ये बोलकर बी पॉल को किसी भारी चीज से बांधकर पानी के अंदर गिरा देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बी का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका था और वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो बैठकर टीवी में अपनी शादी की वीडियो देख रही थी। इसके बाद एनी उसके घर आती है और वो दोनों पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर उन दोनों को वो सफेद लाइट फिर से दिखती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।